हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एम के डियर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ नए बदलाव किए गए हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा बदलाव किया है जिसमें कैश डिपॉजिट को लेकर के बदलाव किए गए हैं। तो फ्रेंड, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले फ्री में होती थी लेकिन अब फ्री में नहीं होंगी। तो फ्रेंड, पूरी जानकारी आप केवल 2 मिनट के वीडियो में देख लीजिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं और क्या क्या चार्ज लगाए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं जिसमें कैश डिपॉजिट को लेकर के हैं। तो फ्रेंड, आप जान लीजिए कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो 1 अक्टूबर से उस पर चार्ज लग जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे पहले था कि कितना हूँ बार आप बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर लेते थे, लेकिन अब आपको 3 बार फ्री दे रहा है, उसके बाद उस पर चार्ज लगाएगा। फ्रेंड, आप बात को समझिए कि आपको कैश डिपॉजिट मतलब जमा करने पर, निकालने पे नहीं, कैश जमा करने पे। यार, पहले तो हम लोग जमा करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब जमा करने पर भी पैसे लगेंगे। तो फ्रेंड, इसमें कितना पैसा लगेगा, अगर आप 3 बार पैसे डिपॉजिट कर चुके हैं अपने सेविंग अकाउंट में, उसके बाद 4थी बार अगर जाएंगे तो आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और आपको 12% GST देना पड़ेगा। उस 50 रुपये पर आपको 12% अलग से GST देना पड़ेगा। तो 50 रुपये का 12% मतलब 6 रुपये, तो 50 और 6 56 रुपये बैंक को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जितनी आप डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए 5,000 कर रहे हैं, तो आपको 56 रुपये हर बार आपको देना पड़ेगा। अगर आप 3 बार कर चुके हैं तो 3 बार से मान लीजिए 4थे बार आए, 5वें बार आए, 6ठवें बार आए, जितनी बार आएंगे आपको 56 रुपये हर बार लगेगा। तो फ्रेंड, आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।